नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पैरा भाई चुनीलाल यादव और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे यूट्यूब से इतना पेमेंट कैसे आया और क्यों आया सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और बताने से पहले भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, चुनीलाल यादव 01 मेरा आईडी है। आपको कुछ हमसे बात करना है, कुछ आपको सवाल है मन में, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर के पूछ सकते हैं। और अगर मन करे कॉल करने का तो ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात कर लेते हैं अपना यूट्यूब पेमेंट की। तो दोस्तों, अगर अब बात आता है यूट्यूब पेमेंट की तो मैं बताऊँ यार, कुछ दिन पहले मैं जब मैं एक कॉमेडी वीडियो बनाता था, जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, तो मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे गाँव के लड़के, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा चाहता था, क्या चुनीलाल आ गया ना तेरा 1 करोड़ का पेमेंट, आया नहीं आया अभी तक, कितने करोड़ कमा लिए, कितने अरब रुपये कमा लिए आपने। दोस्तों, जब वो बोलता था ना ऐसा चीज़, तो मेरे को ना दिल से यार बहुत दुखी आता था, दुखी मन में आता था मेरा बिल्कुल, यार ऐसा क्यों बोलता है ये लोग, ठीक है, मेरे को बहुत चिढ़ होता था ऐसे बोलता था। फिर भी मैं सोचता था यार, इन लोगों को क्या हो गया, वीडियो मैं बनाता हूँ, मेरा पेमेंट आए या ना आए, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है यार, इन लोग क्यों ऐसे बोलता है, ठीक है। उन लोग कितना ही बोलता था, मैं अपना काम करते रहता था, वीडियो बनाता ही रहता था सर, कुछ ना कुछ, और उन लोग वीडियो देखता था, मेरे को चिढ़ाता था, मैं चिढ़ता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहता था, ठीक है। और अब जो पेमेंट आने लगा, हालांकि वो कॉमेडी चैनल तो फ्लॉप हो गया, वो चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, हालांकि ये सब चैनल मोनेटाइज हो गया, इसे मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं उसी बंदे से पूछता हूँ कि भाई क्या हाल है, ठीक है, तो बोलता है भाई पैसे वैसे आ रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो बोलता है भाई आप लोग इतना चाहते क्यों थे, तो वो लोग बोलता था यार चुनीलाल, मेरे को लगता था ना ये सब यार फालतू का काम है, ये सब फालतू का काम करता है, आप खुद तो अपना टाइम खराब करता है, दूसरों का भी टाइम खराब करता है, इसमें कुछ कैरियर भी नहीं है, फालतू का दिमाग चाटता है और दूसरों का अपना भी दिमाग चाटता है, तो ऐसे ऐसे बातें बोलता था वो। तो बोला कि भाई मेरे को उस समय मालूम नहीं था यूट्यूब के बारे में उतना, और मेरे को लगता था ये सब ऐसे ही मजाक है, ठीक है, तभी मैं आपको ऐसा बोलता था, ठीक है, लेकिन सॉरी मैं इतना आपको बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैंने नहीं, आप इतना बोले वो आप मेरे लिए अच्छा किए थे, क्योंकि मैं जिद ठान लिया था कि मैं अब तो कमा कर ही छोड़ूंगा, अब मैं कमा कर ही छोड़ूंगा, यूट्यूब से पैसा लेकर ही छोड़ूंगा, चाहे जितना समय लगे, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन मैं लेकर ही छोड़ूंगा। उसी जीत की वजह से आज मेरे को यूट्यूब से पेमेंट आ रहा है और मैं कमा भी रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेमेंट की अपना और कितना आया, तो दोस्तों मेरे को फर्स्ट पेमेंट 2020 में सितंबर या अक्टूबर के महीने में ऐसे ही आया था, लगभग $252 करीब में आया था, तो इंडियन करेंसी में उसमें 18,221 रुपया आया था मेरे अकाउंट में, ठीक है, ये फर्स्ट पेमेंट मेरा आया था, ठीक है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि मैं थंबनेल में 1 करोड़ रुपये लिख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए लिखा हूँ कि लोग मुझे मजाक उड़ाता था, चुनीला भाई तेरा 1 करोड़ रुपया आया नहीं आया, 1 अरब रुपया कमाया नहीं कमाया यूट्यूब से, ठीक है। तो मैं एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो ये बनाए आपके लिए, ठीक है, कि आपको अगर कोई चिढ़ाए कि भाई आपको कितना पेमेंट आ गया यूट्यूब से, कितने अरब रुपये कमा लिए, कितने करोड़ रुपये कमा लिए, तो आपको उसको कुछ नहीं बोलना, आप कुछ मत बोलिए, ठीक है, बस आप ठान लीजिए कि बस हमें यूट्यूब से पेमेंट लेना है, लेना है, काम करना है तो करना है, ठीक है, और कुछ भी मतलब कि आपको उसको नहीं जवाब देना है, ठीक है, और आपको ना काम के पीछे लगे रहना है, ठीक है, जनता कुछ भी कहे अपना काम के पीछे लगे रहो और अपना काम को कभी भी मत छोड़ना, ठीक है, यूट्यूब पे लगे रहना, कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर डालते ही रहना, एक दिन आपको समय ऐसा ही आएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगा और आपको एक दिन यूट्यूब से पेमेंट मिलकर ही रहेगा, ठीक है, जिस तरह मुझे पेमेंट मिला, ठीक है, उसी तरह आपको भी जरूर मिलेगा, बस काम कीजिए, आप पैसे को फॉलो मत कीजिए, सिर्फ काम को फॉलो कीजिए, मेरा कहना यही है, एक ही सिद्धांत है, पैसे को अगर फॉलो करना शुरू कर दे तो जिंदगी भर आप पैसे को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है, अगर आप काम को फॉलो कीजिएगा ना तो पैसे तो ऑटोमेटिक आपके पॉकेट में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आशा और विश्वास के साथ काम कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगा, आपका लक्ष्य जो है आपके कदम चूमेगा, जब आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा तो दोस्तों पैसे कौन सी दुनिया में है यार, पैसे तो आपके पास इतना आ जाएगा कि आपका बैंक मैनेजर और कैशियर भी बोलेगा यार मेरे सामने कौन खड़ा हो गया है, ठीक है, कितना पैसा कहाँ से लेकर आए, ठीक है, इसका पैसा आता कहाँ से है, तो आपको कुछ ऐसा टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है, बस आप मेहनत कीजिए और चुनीलाल यादव को दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यारा भाई का दिल खुश रहे, करे और कुछ सपोर्ट भी हो जाए, जल्द से जल्द हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।